8 बजे हमारा निकलने का प्लान था, अभी 9 बजने को आया है, अभी तक कोई निकला नहीं। और मैं अपने ऑफिस पे आया था, गोप्रो का माउंट भूल के चला गया था मैं, तो उसको लाने के लिए आया था। अभी निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का राइड रामनगर मारवाड़ ढाबे से स्टार्ट होने वाला है, वहीं पे हमारा मीटअप पॉइंट है। सुबह 8 बजे निकलने का प्लान था, अभी 9 बजने को आया है, अभी तक कोई निकला नहीं है और कोई आया भी नहीं वहाँ पे। तो जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कौन कौन आता है, कितना देर लगाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा मिलते हैं रामनगर मारवाड़ ढाबा पे। तो गाइस अभी आए हैं मारवाड़ ढाबा पे और यहाँ पे हमारा मीटअप प्लान था, तो कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 10:23 हो चुका है और 8 बजे निकलने का प्लान था हमारा, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अभी निकलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हमारे पराग वैली के एक वेल नाउन वाटरफॉल पे, जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया है कलाइन के एक ब्रदर ने। उससे पहले इस वाटरफॉल को ज़्यादा कोई नहीं जानता था। ये वाटरफॉल कलाइन से 10 किलोमीटर दूर जलालपुर पे लोकेटेड है। इस वाटरफॉल को बालेश्वर वाटरफॉल भी कहा जाता है। व्हेन आई हियर्ड अबाउट दिस वाटरफॉल, एट द टाइम देयर वॉज लॉकडाउन इन सिलचर, मैं तो एक्साइटेड था ही, साथ में मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो ये लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। अगर आप सिलचर से जा रहे हो तो मासिमपुर का रोड बिल्कुल मत लेना, बिकॉज रोड हेयर इज टू हॉरिबल। आप बदरपुर होके जा सकते हो। यहाँ पे मुझे लेना था स्ट्रेट और मैंने ले लिया राइट और मैं सीधा पहुँच गया करीमगंज पे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। आगे चल के मुझे क्रोकोडाइल ने भी रोका, पर मैं कहाँ मानने वाला था। आई वॉज डम्प एट द टाइम। पर रोड पे ये क्रोकोडाइल कर क्या रहा था? क्या ये सच में मुझे रोकने के लिए आया था? अभी हम लोग कलाइन बजाते हैं, एक्चुअली हम लोग रास्ता भटक गए थे, सारे लोग हमें छोड़कर आ गए थे और हमने मैप नहीं लगाया था और हम लोग चले गए थे करीमगंज पे। तो फिर करीमगंज से यू टर्न लेके अभी यहाँ पे कलाइन पे आए, तो करीबन 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा राइड कर लिया हम लोगों ने। और अभी बारिश भी हो रहा है तो मूड पूरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद मूड बनता है या नहीं। एक बार सोचा था कि आधे रास्ते से घर चला जाऊँ, और फिर सोचा कि इतना दूर आने के बाद घर जाना सही नहीं रहेगा। ख़राब हो रखा था, पर इन हंसी वादियों से रूबरू होके मूड फिर से ताज़ा होने लगा था। और ऐसा लग रहा था कि इन हंसी वादियों के बीच चलते जाए और ये रोड कभी ख़त्म ना हो।
पर ये रोड भी हमने गलत चुना, बिकॉज़ हमें जहाँ जाना था उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता था और हम ऐसे ही निकल पड़े। तो सामने जाके जब किसी से पूछा तो पता चला हमें जहाँ जाना था वो हम बहुत पीछे छोड़ के आ चुके थे। तो हमने उसी वक्त उस टाइम वहाँ से यू टर्न लिया और निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। थाउजेंड ईयर्स लेटर। सो गाइस, लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इधर पे गेट बंद है तो अंदर जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा गेट का खोलने के लिए। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। गेट खुलवाने के लिए हम लोग गए थे अंदर, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कोई नज़र नहीं आया तो हम लौट के आ गए थे गेट के सामने। पर 10 मिनट बाद वॉचमैन आया और गेट खोल के दिया और हम निकल पड़े वाटरफॉल की ओर। तो गेट से वाटरफॉल की दूरी है 2 या 3 किलोमीटर। बहुत मेहनत के बाद अभी लोकेशन पे आए हैं और अभी देखो सारे लोग जा रहे हैं। वाह, बहुत मेहनत किया आज हमने। साला पानी के अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये देखो क्या हाल हो रहा है अपना। सो गाइस, अभी हमने इस रिवर को पार किया है और वाटरफॉल उधर बहुत दूर है, तो चलते हैं पैदल। तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल पे आ गए थे और यहाँ के नज़ारे देखने के बाद हमसे रहा नहीं गया और हम पानी पे उतर गए। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अनलिमिटेड मस्ती, तो इस वीडियो पे आपको सिनेमेटिक ही देखने को मिलेंगे क्योंकि ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये देखो डोले शोले, इधर दिखा, देखो मोबाइल आफ्टर दिस अमेजिंग ड्रोन शॉट, पूरा दिन मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर। वैसे तो लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर सूरज डूब रहा था और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, बिकॉज यहाँ पे आने की खुशी में हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये सफ़र ऐसी ही चलती रहेगी।
नई सुबह होगी, नई मंजिल होगी, फिर से एक्सप्लोर करेंगे कोई नई जगह। सो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे, टिल देन बाय गाइस।